बैम्बू, जिसको हम में से ज्यादातर लोग प्लांट समझते हैं, वो एक्चुअली में एक तरह की ग्रास है, जिसे मैजिकल ग्रास भी कहा जाता है, क्योंकि इससे फर्नीचर भी बनता है और कपड़ा भी, और कई जगह पे ये प्लास्टिक को भी रिप्लेस करता है। और तो और दुनिया के कई पार्ट्स में बैम्बू को खाया भी जाता है। That's right. तो आज इस वीडियो में हम बैम्बू की एनवायरमेंट में इंपॉर्टेंस को समझेंगे, पर उससे पहले जानते हैं बैम्बू के कुछ अमेजिंग से फैक्ट्स। फैक्ट नंबर वन, बैम्बू ग्रोज वेरी फास्ट। बैम्बू को दुनिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट माना जाता है। इनकी एवरेज ग्रोथ एक दिन में 30 to 100 mm तक हो सकती है, विच इज वे फास्टर देन एनी अदर ट्री। फैक्ट नंबर टू, बैम्बू इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील। हम सब जानते हैं कि स्टील को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अलॉय माना जाता है, पर आपको ये जान के काफी हैरानी होगी कि बैम्बू ह्यूमंस के बनाए स्ट्रॉन्गेस्ट अलॉय से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दैट्स राइट, बैम्बू की टेंजाइल स्ट्रेंथ, यानी बिना टूटे या फ्रैक्चर हुए किसी भी लोड को उठाने की कैपेसिटी, स्टील से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर थ्री, बैम्बू ग्रास इज सेल्फ सफिशिएंट। बैम्बू को उगने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स की कोई जरूरत नहीं है, यहां तक कि पानी की जरूरत भी बहुत ही कम ही होती है। इनफैक्ट बैम्बू इतना सेल्फ सफिशिएंट है कि उस पे लगने वाले पेस्ट्स और इंसेक्ट्स से वो खुद बच सकता है, जिस वजह से बैम्बू की कल्टीवेशन काफी लो मेंटेनेंस मानी जाती है। फैक्ट नंबर फोर, बैम्बू सर्वाइव्ड एटम बम। कई रिसर्चर्स का कहना है कि हिरोशिमा में हुए एटॉमिक ब्लास्ट के बाद वहां किसी भी प्लांट का उगना बहुत ही मुश्किल था, पर इस एडवर्स एक्सट्रीम कंडीशंस के बावजूद इस एरिया में रीस्प्राउट होने वाले प्लांट्स में से एक बैम्बू भी है। सो टेक्निकली दे सर्वाइव्ड द एटॉमिक ब्लास्ट। ये तो बैम्बू के कुछ अमेजिंग से फैक्ट्स थे, पर अब समझते हैं कि नेचर और ह्यूमंस के लिए बैम्बू की इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट, बैम्बू प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन मेनी अदर प्लांट्स एंड ट्रीज। बैम्बू एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन और CO2 को बैलेंस करने का काम बहुत ही अच्छी तरह से करता है, क्योंकि बैम्बू की एक ग्रुप अपने इक्विवेलेंट ट्रीज से 35% ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकती है, जिसका मतलब यह है कि बैम्बू काफी ट्रीज से एनवायरनमेंट और ह्यूमन दोनों के लिए ही ज्यादा हेल्पफुल है। सेकंड, बैम्बू हेल्प इन सॉइल प्रिजर्वेशन एंड फ्लड कंट्रोल। बैम्बू की रूट्स थिन और फाइबरस होती हैं और इस जमीन के अंदर चेन की तरह फैल के सॉइल को पकड़े रहती हैं, जिससे अपने आसपास सॉइल को इरोजन से बचाती हैं। साथ ही बैम्बू सॉइल के टेक्सचर को भी ठीक करता है, जिससे बैम्बू की पॉपुलेशन वाले एरियाज में फ्लड नेचुरली कंट्रोल हो सकता है। थर्ड, बैम्बू कूल्स द एनवायरमेंट। बैम्बू एक एक्सीलेंट एनवायरमेंट कूलर है। बैम्बू के आसपास का एनवायरमेंट बाकी जगह से 15% तक ज्यादा कूल रह सकता है, जो ओवरऑल एनवायरमेंट को ह्यूमिडिटी से भी बचा सकता है। फोर्थ, बैम्बू हैज एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीफंगल प्रॉपर्टीज। बैम्बू की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये हैं कि ये एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल होती हैं। इसी वजह से इनको कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिंस, क्लोथ्स, पेपर जैसे हजारों आइटम्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिफ्थ, बैम्बू इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर मैनी अनसस्टेनेबल मटीरियल्स। बैम्बू की स्ट्रेंथ और वर्सिटैलिटी की वजह से ये एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जिससे कई ऐसे मटेरियल को पोटेंशियली रिप्लेस किया जा सकता है, जिसकी एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन के प्रोसेस में एनवायरनमेंट को बहुत ही नुकसान पहुंचता है, जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम, PVC पाइप्स एटसेट्रा। बैम्बू की इतनी सारी इंपॉर्टेंस के बावजूद बैम्बू की वैल्यू लोगों को नहीं पता, क्योंकि ना तो लोग इसकी फार्मिंग कर रहे हैं, और अगर कहीं पे बैम्बू ग्रो हो भी रहा है तो लोगों को नहीं पता कि उसका क्या करें। तो इस वीडियो के थ्रू हम चाहते हैं कि जो लोग बैम्बू के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वायरमेंट लिखें, और जिन लोगों के पास बैम्बू अवेलेबल है वो उन लोगों से कनेक्ट करें, सो दैट ज्यादा से ज्यादा बैम्बू को प्रमोट किया जा सके। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जानकारी मिली है, तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैम्बू के बारे में बताइएगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को बैम्बू की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलेगा, उतने ही ज्यादा लोग कमेंट सेक्शन में कनेक्ट कर पाएंगे और उतने ही ज्यादा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स मार्केट में आ पाएंगे।
That's it for this video. See you next Sunday. हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हों। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।